हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयरनेस हम कर रहे हैं। दिस इज़ लेक्चर नंबर 5। ऑलरेडी 4 लेक्चर्स हम कर चुके हैं इसके ऊपर, ठीक है। सब में 10-10 क्वेश्चन हमने देखे हैं। सो इस लेक्चर के बाद आपके 50 क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। एंड टाइम एंड अगेन मैंने ये चीज़ रिपीट की है कि EPFO की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कुछ कॉम्पोनेंट्स आपके ऐसे हैं जैसे कि आपका इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, ठीक है, जनरल साइंस हो गया, आपका कंप्यूटर्स हो गया, ये सारे अगर आप सब्जेक्ट्स मिला दोगे तो इनका जो अराउंड क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे 2017 में 40 क्वेश्चंस के करीब आए थे। तो शेयर बहुत अच्छा खासा इन एरियाज़ में से आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड रहते हैं बाय स्टूडेंट्स। सो इनको इग्नोर नहीं करना है इफ़ यू आर टारगेटिंग UPSC EPFO। ऑलराइट, चलिए शुरू करें फिर फटाफट से। PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, चलिए। So the first question is, when you visit a certain website, spyware may be automatically downloaded. This is called a, कई websites के ऊपर हम जाते हैं, अगर आप regularly internet use करते हो तो वो website जैसे ही आप click करते हो तो website जैसे ही आप link खोलते हो website का, अपने आप से आपके computer में कुछ ना कुछ download होना शुरू हो जाता है, ठीक है। And what is this called? Option A, drive by download. Option B, logic bomb. Option C, virus. और option D, drive in download. ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत जनरल क्वेश्चन है और डे टू डे लाइफ से, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, दिस हैपन्स। ओके, सो आपको आइडिया होना चाहिए। ऑल राइट, सो आंसर इस केस में क्या हो जाएगा? आंसर इस केस में हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज योर ड्राइव बाय डाउनलोड। क्या हो जाएगा? ड्राइव बाय डाउनलोड, ठीक है। तो ड्राइव बाय डाउनलोड, you can get spyware on your computer when you visit certain websites, it arrives as an automatic download. अपने आप किसी download button के ऊपर click नहीं करते हो, आप intentionally कुछ भी download नहीं करते हो, just आप website को serve कर रहे हो, आप website का link खोल रहे हो, तो वो चीज़ आपके computer में download होनी शुरू हो जाती है। इसको drive by download कहा जाता है। Simple सा है, बहुत ज़्यादा detail में। देखो, आपने IT expert नहीं बनना, ठीक है, आपने developer नहीं बनना है। कहीं डेवलपर बनने की तैयारी करनी शुरू कर दो, अगर आप पहले से डेवलपर हो देन इट इज़ वेरी वेल, ठीक है, आपका साइंस कंप्यूटर वाला पार्ट स्ट्रांग होएगा। पर अगर आप कंप्यूटर आपने बैकग्राउंड में जस्ट नॉर्मल, आप जो जैसे मैं कंप्यूटर यूज़ करता हूँ, ठीक है, वैसे ही कंप्यूटर अगर आप यूज़ करते हो तो जनरल इन्फॉर्मेशन रखनी है बस। एक्सपर्ट बनने की कोशिश मत करना, वो आपके लिए डेंजरस रहेगी एग्जाम के लिए। सेकेंड क्वेश्चन, अ बटन दैट मेक्स करेक्टर इधर अपर और लोअर केस एंड नंबर टू सिम्बल्स। ऐसा कौन सा बटन होता है आपके कीबोर्ड के ऊपर जो आपको हेल्प करता है टू कन्वर्ट योर टेक्स्ट इंटू अपर और लोअर केस? अपर लोअर केस क्या होता है? ये अपर केस होता है, यानी कि कैपिटल, एंड दिस इज कॉल्ड लोअर केस। ये भी पता होना चाहिए, ये क्या होता है? अपर केस। और ये जो छोटे वाला होता है इसको क्या कहते हैं हम? लोअर केस। ओके, या फिर अगर आपने नंबर्स को सिम्बल्स में कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ये वाला साइन ड्रॉ करना है तो आप कौन सी की प्रेस करोगे अलॉन्ग विद? अब अगर जनरली आप अपने कीबोर्ड पे देखो, एट द रेट का जो सिंबल होता है ये 2 नंबर पे होता है, ठीक है, जो नंबर 2 की होती है उसके ऊपर होता है। लेकिन आप अगर वो नॉर्मली आप की प्रेस कर रहे हो तो 2 टाइप हो जाएगा। अगर आपको एट द रेट प्रेस करना है तो कौन सी की होती है वो? सिंपल सा क्वेश्चन है, मॉनिटर, शिफ्ट की, आइकन, माउस, ठीक है। तो आंसर है शिफ्ट की, आंसर विल बी शिफ्ट की। अगर आपको एट द 2 की जगह एट द रेट टाइप करना है तो आप क्या करते हो? शिफ्ट प्लस 2 प्रेस करते हो। सिमिलरली अगर आपका कैप्स लॉक ऑन है, और कैप्स लॉक ऑन है तो मतलब ए आपका कैपिटल में आएगा लेकिन आप चाहते हो कि ए स्मॉल में आए, तो आप क्या कर दोगे? शिफ्ट प्लस ए दबा दोगे तो वो स्मॉल में आ जाएगा। सिमिलरली आपका कैप्स लॉक बंद है, आप नहीं चाहते कैप्स लॉक को ऑन करना, सिर्फ एक अल्फाबेट है आपको कैपिटल में लिखना है, तो आप कैप्स लॉक ऑन करने की जगह क्या कर रहे हो? शिफ्ट प्लस ए दबा रहे हो तो वो कैपिटल आ जाएगा, बाकी वैसे स्मॉल में, ठीक है ना। तो आंसर हियर विल बी ऑप्शन बी। ओके, सो शिफ्ट की को हम मॉडिफायर की कहते हैं। मॉडिफायर की के ऊपर हमने पहले भी क्वेश्चन जो है किया था। मॉडिफायर की बेसिकली क्या होती हैं? जो खुद से अगर आप शिफ्ट को प्रेस करोगे, खुद से इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। मॉडिफायर की वो होती हैं जिनको हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं विथ सम अदर की। ओके, जैसे कंट्रोल है, कंट्रोल की भी क्या है? एक मॉडिफायर की है। ऑल्ट भी क्या है? एक मॉडिफायर की है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज गटर मार्जिन? गटर मार्जिन क्या होता है? ऑप्शन ए, मार्जिन दैट इज एडिड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज एडिड टू द राइट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज एडिड टू द बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, मार्जिन दैट इज एडिड टू द आउटसाइड ऑफ द पेज व्हेन प्रिंटिंग, ठीक है। देखो, सिंपल सा कंसेप्ट होता है, जैसे अब आपकी ये शीट है, अब आपने इसको प्रिंट निकालना है,
अब प्रिंट निकालते वक्त आप गटर मार्जिन का अगर ऑप्शन रखते हैं उसमें क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप इतनी स्पेस छोड़ी हुई है पहले से, आपने ये जो है पेज सेटअप में इसको एज अ इंडेक्स आपने ये जो है पेज साइज में हम मार्जिन की जो बात करते हैं ये मार्जिन आपने छोड़ा हुआ है। जब आप प्रिंट करोगे आपने गटर मार्जिन का जो ऑप्शन होगा वो क्या करेगा, यहाँ पर जिस साइड से आपकी बाइंडिंग होनी है, फॉर एग्जांपल आपने हंड्रेड्स ऑफ पेज निकाल कर उसको बाइंड करना है जैसे आपकी बुक्स बाइंड होती हैं, तो क्या करेगा यहाँ पर थोड़ी सी और स्पेस छोड़ देगा, क्योंकि जब आप बाइंडिंग करोगे आपकी जो बाइंडेड बुक होती है उसमें ताकि जो टेक्स्ट है वो बाइंड होकर के पीछे ना छुप जाए, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं, गटर मार्जिन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, मार्जिन दैट इज एडेड टू द बाइंडिंग साइड। वो अब आप डिसाइड करोगे कि आपने किस साइड से अपनी बुक को बाइंड करना है, ओके। चलिए, सो द गटर मार्जिन इज अ टाइपोग्राफिकल टर्म यूज टू डेजिग्नेट एन एडिशनल मार्जिन एडेड टू अ पेज लेआउट टू कंपनसेट फॉर द पार्ट ऑफ द पेपर मेड अनयूजेबल बाय द बाइंडिंग प्रोसेस, ओके। गटर मार्जिन या गटर मार्जिन इसको कई लोग बोलते हैं, ओके, दोनों प्रोनाउंसिएशन जो है वो करेक्ट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की फंक्शन ऑफ अ फायर वॉल, ऑप्शन ए मॉनिटरिंग, ऑप्शन बी डिलीटिंग, ऑप्शन सी रिकॉर्ड और ऑप्शन डी कॉपिंग। फायर वॉल का मेन फंक्शन क्या होता है, डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी हुई है, फायर वॉल ज़्यादातर आजकल सारे कंप्यूटर्स में होता है, हम सब यूज़ करते हैं, अगर आपकी विंडोज़ ऑथेंटिक होती है तो उसमें डेफिनेटली फायरवॉल होता है, ओके। सो फायरवॉल का क्या फंक्शन होता है, क्या मेन काम होता है, सो की फंक्शन होता है ए मॉनिटरिंग, ए मॉनिटरिंग विल बी द करेक्ट आंसर। सो अगर आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, इन कंप्यूटिंग अ फायरवॉल इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम दैट मॉनिटर्स एंड कंट्रोल्स इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, ओके। जो भी आपने सिक्योरिटी रूल सेट किए हैं फायरवॉल के भी आप सिक्योरिटी रूल्स सेट कर सकते हो, ठीक है। कहीं जो सिस्टम्स होते हैं, जो सिक्योर सिस्टम्स होते हैं, जो ऐसी एंटरप्राइजेज होती हैं जिनका जो काफ़ी टेक्निकल एस्पेक्ट्स होती हैं या फिर काफ़ी जो कॉन्फिडेंशियल एस्पेक्ट्स होती हैं, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग फायरवॉल वॉल वहाँ पर होता है जिसको ब्रीच करना बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। तो फायरवॉल यही देखता है कि जो भी सारा नेटवर्क ट्रैफिक है जो कंप्यूटर में इनकमिंग है या जो कंप्यूटर से नेटवर्क जा भी रहा है उसको प्रॉपर मॉनिटर करता है ताकि जो सिक्योरिटी डिटेल्स हैं वो ना लीक हो पाए, ओके। अ फायरवॉल टिपिकली एस्टैब्लिश अ बैरियर बिटवीन अ ट्रस्टेड नेटवर्क एंड एन अनट्रस्टेड नेटवर्क, सो इट कीप्स द कंप्यूटर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द अनट्रस्टेड नेटवर्क, ऑलराइट। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स कंसर्निंग फाइल नेम्स, फाइल नेम से रिलेटेड, आप कोई भी फाइल सेव करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप PDF फाइल कोई सेव करते हो तो उससे रिलेटेड कुछ आपने चीज़ें यहाँ पर बतानी है कि कौन सी फॉल्स है। पहला कहता है फाइल में शेयर द सेम नेम और द सेम एक्सटेंशन बट नॉट बोथ, सेम नेम बट सेम नेम और सेम एक्सटेंशन। अब जैसे अगर PDF फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है .pdf, PPT फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन होती है .ppt, तो एक्सटेंशन क्या होती है, जो आपकी फाइल है जिस फॉर्म में आप उसको सेव कर रहे हो अकॉर्डिंगली उसकी एक्सटेंशन आपको सामने दिखती है। और फाइल नेम क्या होता है, जैसे अगर मैं इस लेक्चर का नाम सेव करना चाहूँ, आई विल सेव इट एज लेक्चर 5, तो ये क्या होगा, फाइल नेम होगा। सो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, फाइल में शेयर द सेम नेम और द सेम एक्सटेंशन बट नॉट बोथ, फाइल्स में शेयर, ओके, ऑल राइट। ऑप्शन बी कह रहा है एवरी फाइल इन द सेम फोल्डर मस्ट हैव अ यूनिक नेम, ऑप्शन सी कह रहा है फाइल एक्सटेंशन इज अनदर नेम ऑफ द फॉर द फाइल टाइप, ऑप्शन डी कह रहा है द फाइल एक्सटेंशन कम्स बिफोर द डॉट फॉलोड बाय द फाइल नेम, ओके, ऑल राइट। सो देखो सबसे पहला जो ऑप्शन है फाइल में शेयर द, फाइल्स में शेयर द सेम नेम और द सेम एक्सटेंशन बट नॉट बोथ। अब फॉर एग्जाम्पल ये एक फोल्डर है, न्यू फोल्डर, ठीक है, अब मुझे इसमें कोई फाइल सेव करनी है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया ये लेक्चर 1 की मेरे पास PPT है, लेक्चर 1 की मेरे पास PPT है, तो ये किस फॉर्मेट में सेव होगी, lecture1.ppt। अब मैं इस फाइल को एक्सपोर्ट कर देता हूँ, इसका फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ और वो इसको कन्वर्ट कर देता हूँ PDF फॉर्मेट में, PPT वाला भी है और PDF वाला भी है, और PDF वाले फाइल को भी मैं क्या नेम रख देता हूँ, lecture1. क्या आ जाएगा एक्सटेंशन, PDF आ जाएगा, क्योंकि मैं PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल ठीक है, मैं कर सकता हूँ, मैं फाइल का नाम मैंने सेम रखा है क्योंकि एक्सटेंशन का नाम अलग अलग है, लेकिन मैं lecture1.pdf नाम से दो फाइलें नहीं रख सकता। मैं एक और फाइल अगर यहाँ पर lecture1 के नाम से सेव करूँगा .pdf करके, तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा कि डू आई वॉन्ट टू ओवर राइट दिस पर्टिकुलर फाइल, अगर मैं उसको कर दूंगा येस, तो इस फाइल की जगह ये वाली फाइल सेव हो जाएगी अब उस फोल्डर में, ठीक है। अगर मैं ओवर राइट नहीं करूँगा तो क्या होगा, ये पता है किस नाम से सेव होगा, lecture1,
lecture1.pdf. एग्जैक्ट नेम से सेफ नहीं होगा क्योंकि इन दोनों केसेस में लेक्चर वन और एक्सटेंशन नेम दोनों सेम है, लेकिन अगर एक्सटेंशन नेम अलग है तो सेम नाम से भी सेम फाइल नेम भी सेव हो सकता है. या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है कि फाइल नेम अलग अलग हो या फिर फाइल नेम अलग अलग हो. अब मुझे अगर दो पीडीएफ फाइल सेव करनी है तो मैं उनको कैसे सेव कर सकता हूँ, lecture1.pdf lecture2.pdf, नाम अलग हो गया तो फिर वो सेव हो जाएंगी. ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. एवरी फाइल इन द सेम फोल्डर मस्ट हैव अ यूनिक नेम, बिल्कुल सही, नेम यूनिक होना चाहिए या फिर एक्सटेंशन नेम डिफरेंट होना चाहिए. ऑप्शन सी, फाइल एक्सटेंशन इज अनदर नेम फॉर फाइल टाइप. फाइल टाइप होती है, फाइल एक्सटेंशन आपको बता देगी कि वो पीडीएफ फाइल है या पीपीटी फाइल है, किस टाइप की फाइल है, एक्सेल शीट है, वर्क शीट है, क्या है. ओके, ऑप्शन डी जो है वो गलत है. जो आप जो भी फाइल सेव करते हो, आप खुद भी कंप्यूटर पे फाइल सेव करते हो, तो फाइल नेम पहले आता है और एक्सटेंशन बाद में आता है. लेक्चर वन डॉट पीडीएफ आता है, कहीं पर भी डॉट पीडीएफ लेक्चर नहीं आता. ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर क्योंकि अपने से फॉल्स स्टेटमेंट पूछी गई है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन. अ प्रोग्राम दैट जनरली हैज मोर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस देन अ DBMS इज कॉल्ड, और डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम से ज्यादा यूजर फ्रेंडली कौन सा होता है इनमें से, फ्रंट एंड, रिपोजिटरी, बैक एंड, फॉर्म. चलो अब देखो, जनरली अगर आप वेबसाइट के ऊपर जाओ, फॉर एग्जाम्पल www.siksha.com के ऊपर जाते हो, ठीक है, आप उसके ऊपर कोर्सेज को एक्सप्लोर करते हो, पीडीएफ फाइल्स डाउनलोड करते हो, ठीक है, अपने टेस्ट MCQs करते हो, तो आप क्या यूज कर रहे हो, आप यूज कर रहे हो फ्रंट एंड. फ्रंट एंड उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाने की कोशिश करते हैं ताकि यूज़र को ज़्यादा दिक्कत ना आए, क्योंकि यूज़र में नॉट बी द कंप्यूटर एक्सपर्ट. ऑल राइट, जो पीछे से हम काम करते हैं, जो MCQs आप फ्रंट एंड पर सॉल्व कर रहे हो, उनको वेबसाइट के ऊपर बैक एंड से डाला जा रहा है, बैक एंड से चीज़ें ऐड की जा रही हैं, डेटा बेस के अंदर वो एंटर हो रही हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो बैक एंड होता है, DBMS होता है. जो यूज़र यूज़ करता है वो क्या होता है, फ्रंट एंड होता है. तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए विच इज़ मोर user friendly. okay, chalo. seventh question, if a previously saved file is edited, so what will happen, it cannot be saved again. agar aapne koi saved file hai, for example ye ppt mein main aapko padha raha hu, main isme koi change kar dun to main usko dobara save nahi kar sakta. option b, the changes will automatically be saved, mujhe alag se save karne ki zarurat nahi hai, apne aap wo save hota jayega. ऑप्शन सी, द फाइल विल ओनली हैव टू बी सेव्ड अगेन इफ इट इज मोर देन वन पेज इन लेंथ. अगर फाइल एक पेज से ज्यादा लंबी है तभी मुझे उसे दोबारा सेव करने की जरूरत है, नहीं तो मुझे दोबारा सेव करने की जरूरत नहीं है अगर मैंने चेंजेस भी किए हैं उसमें. ऑप्शन डी, द फाइल मस्ट बी सेव्ड अगेन टू स्टोर द चेंजेस. तो अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस PPT में चेंज कुछ कर रहा हूँ, अगर मैं इस क्वेश्चन के आगे बस ये भी लिख रहा हूँ 2 marks, मैंने कोई और चेंज नहीं किया, एज इट इज पूरी की पूरी PPT सेम है और मैंने बस 2 marks लिख दिया, तो क्या मुझे ये फाइल दोबारा सेव करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी. तो ऑप्शन ए बिल्कुल गलत है, ऑटोमेटिकली सेव नहीं होंगे. ठीक है, सेव हो जाती है, इट कैन नॉट बी सेव्ड अगेन, ये तो बिल्कुल गलत है, आई कैन सेव इट, ऑटोमेटिकली सेव नहीं होगा, मुझे सेव की कमांड देनी पड़ेगी तब सेव होगा. ओके, अगर मैं सेव की कमांड नहीं दूंगा तो जो चेंजेस मैं कर रहा हूँ वो सेव नहीं होंगे. ओके, सी स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग, डी इज करेक्ट, फाइल मस्ट बी सेव्ड अगेन टू स्टोर द चेंजेस. ओके, देखो कितने सिंपल और बेसिक से क्वेश्चन हैं और पेपर में यही आते हैं, बस एग्जाम प्रेशर होता है और जो बच्चे कंप्यूटर इतना ज़्यादा यूज नहीं करते हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, नहीं तो इतने ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं. एट्थ क्वेश्चन, बग आमतौर पर न्यूज़ में भी आप सुनते हो, ठीक है, और कंप्यूटर्स यूज करते हो तो जाहिर सी बात है पता होता है बच्चों को इसके बारे में. ऑप्शन ए, टू फाइंड एरर इन एनी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के टाइम पर कोई एरर फाइंड करना. टू फाइंड एरर इन एनी सॉफ्टवेयर कोड, जो कोड होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर के, टेक्निकल कोड्स होते हैं उसके अंदर एरर फाइंड करना. लॉजिकल एरर ऑफ एनी प्रोग्राम और बोथ 1 and 2, सो बग इज बेसिकली अ लॉजिकल एरर ऑफ एनी प्रोग्राम. ओके, चलिए, अ सॉफ्टवेयर बग इज एन एरर, फ्लॉ और फॉल्ट इन अ कंप्यूटर प्रोग्राम और सिस्टम दैट कॉजेज इट टू प्रोड्यूस एन इनकरेक्ट और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट. ओके, अब जैसे हमने वेबसाइट बनाई www.siksha.com, इट्स अ न्यू वेबसाइट, ठीक है, तो कई बार क्या होता है हम करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ जाता है. स्टार्टिंग में एज अ यूज़र आपने भी, कई बच्चों ने इश्यूज भी फेस किए जिन्होंने पेड कोर्स लिए, आई एम वेरी फ्रैंक विद दैट. हमने उन इश्यूज़ को फिर जैसे उन्होंने हमें बताया कि हाँ सर ये इशू आ रहा है, फिर हमें पता चला कि हाँ यार ये एरर है, ये बग है, ये प्रॉब्लम है, कोई लॉजिकल एरर आ रहा है, तो फिर हमने उसको ठीक किया. ओके, सो दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट हैज टू टेक प्लेस इन एनी सॉफ्टवेयर. आप अपने फोन में एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हो,
ठीक है, फिर उनका प्ले स्टोर पर या ऐप स्टोर पर जो भी आपके पास एंड्रॉयड या एप्पल फ़ोन है उसमें अपडेट आता है उस ऐप का, ठीक है। आप कभी खोल कर देखो, फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्ले स्टोर है, मेरे पास एंड्रॉयड फ़ोन है, तो अगर मैं कोई ऐप खोलूँगा उसमें अपडेट आया हुआ है उसका, तो नीचे लिखा होता है व्हाट्स न्यू, अगर आप रीड करोगे उसमें यही लिखा होता है सम बग्स हैव बीन रिजॉल्व, एरर्स होते हैं वो जिनको रिजॉल्व किया जाता है। ऑल राइट, चलिए, कई बार बग्स इतने ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि कंप्यूटर को क्रैश भी कर देते हैं, बट वो हारमोनियस साइट्स होती हैं, हारमोनियस सॉफ्टवेयर होते हैं, सॉरी हारमोनियस नहीं डेंजरस, हारमोनियस समथिंग विच इज़ पीसफुल, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सो डेंजरस जो साइट्स होती हैं, जो फेक साइट्स होती हैं, इलीगल साइट्स होती हैं, उन सब में वो उस तरह की प्रॉब्लम आती है, जेन्युइन बग्स में आपको इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, चलिए, नाइन्थ क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड वर्ल्ड वाइड वेब। SSC टाइप के पेपर्स में तो बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, इधर यू नो इट और डोंट नो इट, बहुत डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। आंसर हेयर विल बी ऑप्शन सी, टिम बर्नर ली। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, एक्सटेंशन नेम ऑफ फ्लैश फाइल इज, जैसे PDF का मैंने बताया .pdf होता है ना, तो एक्सटेंशन नेम आपको फ्लैश फाइल का बताना है क्या होता है, .pdf, .swf, .pmd और .prd। सो द आंसर हेयर विल बी ऑप्शन बी, .swf, जो आपका फ्लैश फाइल का एक्सटेंशन होता है। PDF तो चलो मैंने आपको बता ही दिया है, होमवर्क में कमेंट सेक्शन में आपने क्या बताना है, .pmd और .prd बताना है आपको किन फाइल्स का एक्सटेंशन होता है। ओके, ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। चलिए, यहाँ पर हमारा लेक्चर दोस्तों ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा और कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसी तरह से करते रहेंगे कंप्यूटर की क्लासेस भी। सी, अ लॉट ऑफ कंटेंट हैज़ टू बी गिवन टू यू एंड इट इज़ ओनली मी करेंटली हु इज़ प्रोवाइडिंग ऑल दिस कंटेंट। ओके, सो आई एम द वन हु इज़ यू नो मेकिंग ऑल द लेक्चर्स, सो इसीलिए थोड़ा डिले हो जाता है एक पर्टिकुलर लेक्चर को आने में, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको मैक्सिमम कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। बस आपको सपोर्ट करते रहना है। ओके, कंटेंट जितना हो सकेगा उससे ज़्यादा कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।